हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आई होप आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे एंड आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी, लाइफ सही होगी एंड एवरीथिंग बस सही चल रहा होगा। सो दिस चैनल इज़ ऑल अबाउट ऑनेस्टी एंड लाइक मैंने जब ये चैनल स्टार्ट किया था द मेन मोटिव वॉज टू डॉक्यूमेंट माई जर्नी टू शेयर विद यू ऑल, बिकॉज एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है जो कि आई थिंक कुछ साल पहले तक ऐसा कुछ नहीं था, बट अभी ये चीज़ एग्जिस्ट करती है तो वाई नॉट टू टेक द बेनिफिट ऑफ इट। कुछ चीज़ हम रिकॉर्ड कर रहे हैं जो कि इन फ्यूचर जब तक हम रहेंगे तब तक ये चैनल यहीं पे रहेगा, ये चीज़ें यहीं पे एग्जिस्ट करेंगी एंड हम इन चीज़ों को देख सकेंगे। ये मोटिव के साथ मैंने ये चैनल शुरू किया था एंड मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि इस चैनल की वजह से अ लॉट ऑफ पीपल विल गेट मोटिवेटेड। मेरा बस ये था कि मुझे अपनी जर्नी को शेयर करना है क्योंकि मुझे ये कॉन्सेप्ट बड़ा फैसिनेटिंग लगता है कि यार, बिकॉज आई एम अ पर्सन जो कि चीज़ों को बहुत सेव करके रखती हूँ। लाइक मेरे पास 10-10 साल पहले की पुरानी पिक्चर्स अभी तक सेव्ड हैं, बिकॉज आई एम लाइक दैट। मैं चीज़ों से ज़्यादा ये मेमोरीज से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहती हूँ, तो मुझे जब लगा कि हाँ, मतलब मेरी एक जर्नी है, मेरी एक प्रिपरेशन जर्नी होगी जिसको मैं यूट्यूब पर शेयर करूँगी एंड वो चीज़ वहाँ पर रहेगी, बिकॉज फ़ोन में इतनी स्टोरेज नहीं होती है कि हम इतनी चीज़ें सेव करके रखें। तो इस कॉन्सेप्ट के साथ मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था। मेरा कभी भी ये मोटिव नहीं था कि मैं लोगों को मोटिवेट करूँगी या फिर बाकी मुझसे मोटिवेट होंगे। नो, मेरा था कि मुझे अपनी जर्नी को शेयर करना है एंड इन फैक्ट दिस विल मोटिवेट मी टू स्टडी मोर, क्योंकि मुझे पता है मुझे वीडियो डालनी है तो मुझे पढ़ना है। अगर मैं कुछ कह रही हूँ तो मुझे वो चीज़ खुद भी करनी है। सो दिस चैनल वॉज ऑल अबाउट ऑनेस्टी। तो अभी इस वीडियो में जो हुआ इस लास्ट वीक में वो सब चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। दिस वीक वॉज नॉट एट ऑल प्रोडक्टिव। तो ये चैनल ऐसा नहीं है कि मैं आपको झूठ बोलूँ कि मैंने बहुत पढ़ा, ये पढ़ा, वो पढ़ा। मैंने देख रही हूँ मेरे जो फेलो एस्पिरेंट्स हैं या जो फेलो यूट्यूबर्स हैं जो कि जिन्होंने यूपीएससी अटेम्प्ट्स दिए थे एंड वो वापस से प्रिपरेशन पे आ गए हैं कि अब हम पूरा मोटिवेटेड हैं ये हो, बट आई डोंट नो वाई मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है। लाइक एग्ज़ाम हुआ उसके बाद आई वॉज ऑल्सो लाइक अकाउंटेबल टू यू ऑल, गॉट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस मीन्स लाइक क्वेरीज की आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें या व्लॉग शेयर करो एंड लॉट। सो आई फाउंड इट टू बी माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ठीक है, अगर मैं चीज़ें शेयर कर रही हूँ तो इट्स माई ड्यूटी कि मैं आगे भी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँ। तो मैंने तब तो जोश में वापस से प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट की कि अब से फिर से पढ़ना है, कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। लेकिन उसके बाद ये जो लास्ट के कुछ वीक था, लास्ट वीडियो आई थिंक 1 वीक पहले आई थी, उस वीक में आई डोंट नो मेरे को बिल्कुल मोटिवेशन ही नहीं आ रही थी पढ़ने की। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत दुखी थी या रो रही हूँ या कुछ, नहीं, आई वॉज लाइक नॉर्मल न्यूट्रल, कुछ फीलिंग नहीं है, बट आई एम ऑल्सो नॉट एबल टू स्टडी प्रॉपरली। लाइक मैं उठ रही हूँ बट मेरी कंसंट्रेशन बिल्कुल भी नहीं बन रही है, मैं पढ़ने बैठ रही हूँ बट इतनी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो रही है एंड अगर मैं अकेले बैठ रही हूँ या फिर खाली बैठ रही हूँ देन आई एम डूइंग ओवर थिंकिंग एंड देन आई एम सैड। फिर मैं रो भी रही हूँ, फिर अपनी चीज़ें याद आ रही हैं, जस्ट ऐसा हो रहा है कि आई एम नॉट एबल टू एक्सेप्ट द फेलियर। आई डोंट नो, मतलब ठीक है ये एग्ज़ाम है, हमें भी पता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप जीतोगे ही, हार इसमें आएगी, ज़रूर आएगी, लेकिन बस वही है ना एक्सेप्टेंस। तो ऐसा हो रहा है कि यार इतनी मेहनत की थी अब भी नहीं हुआ तो फिर क्या ही होगा, मतलब ये वाली फीलिंग आ रही है। और ऐसा लग रहा है कि आई एम जस्ट फेड अप ऑफ डूइंग द थिंग्स अगेन एंड अगेन। जितने भी ये एग्ज़ाम्स होते हैं ना, इन सब में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है रिवीजन, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है और यही चीज़ है जो मुझे सबसे ज़्यादा बेकार लगती है। लाइक मैं न्यू चीज़ को बहुत मन से पढ़ती हूँ, कुछ भी नया पढ़ना होता है ना मेरा इंटरेस्ट होता है उस चीज़ में, मैं उसको मज़े से पढ़ती हूँ, लेकिन जब बात आती है पुरानी चीज़ों को वापस पढ़ने में मुझे इतना ज़्यादा बोरियत लगती है ना, बट स्टिल अपने माइंड को मना मना कर कि नहीं मुझे करना है। मैंने प्रीलिम्स तक बहुत ज़्यादा जोर लगाया था, प्रीलिम्स तक मैंने अपना सच में बहुत ज़्यादा बेस्ट दिया था। उस टाइम पे आपको मेरी जितनी भी वीडियोस दिखती होंगी बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल वाली दिखती होंगी, क्योंकि मैं सच में उस टाइम पे ऐसी ही थी, मैं सच में उस टाइम पे बहुत हार्ड वर्क कर रही थी अपना एंड मैंने सोचा हुआ था कि मुझे कंसिस्टेंसी से पढ़ना है जो भी हो जाए, लेकिन रिजल्ट जब ऐसा नहीं रहा तो कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा टूट गई हूँ। बट ऐसा नहीं है कि रुक तो नहीं सकते, बट वही है कि थोड़ा सा रूटीन में आ नहीं पा रही प्रॉपरली। ऐसा होता है जब हमारे पास एक सामने गोल दिख रहा होता है ना तो हम ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होते चीज़ों से। अब क्या है कि अब कोई गोल नहीं है बट बहुत ज़्यादा डिफरेंट जगहें हैं कि मुझे वो भी करना है। अच्छा ये नहीं हुआ तो बैकअप भी चाहिए, ये नहीं हुआ तो वो भी चाहिए, सब चीज़ों को सोचना है ना, तो उसकी वजह से एक प्रॉपर गोल नहीं बन पा रहा। बट स्टिल मैंने लास्ट वीक में जितना भी थोड़ा थोड़ा पढ़ा मैंने इस वीडियो में सब शेयर किया है। ऐसा नहीं है मैंने नहीं पढ़ा, मैंने कोशिश भी की पढ़ने की, लेकिन मेरा माइंड जो है ना वो
लाइक कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रहा था। फिर मैंने थोड़े लाइव स्टडी सेशंस भी स्टार्ट किए एंड ऑनेस्टली मैं लाइव स्टडी सेशन में भी नहीं पढ़ पा रही थी। मतलब मैंने ऑन तो किया हुआ है लेकिन दैट टू आवर्स आर फीलिंग लाइक कि मतलब मैं यहाँ से भागूँ उठ के। तभी मैं थोड़ा कर रही हूँ अभी, और ऐसा नहीं कि मैं बाद में भी पढ़ रही हूँ, नहीं पढ़ रही हूँ ऑनेस्टली। मतलब मैं दिन के 4-5 घंटे मैक्सिमम पढ़ पा रही हूँ, जब लाइव किया था तो 6 घंटे, उसके अलावा मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ। लेकिन बस यही है कि हाँ मैंने थोड़ा स्टार्ट किया। पहले तो मैं कुछ दिन तो मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, 1-2 दिन 3 दिन। फिर मैंने सोचा कि यार कब तक ही ऐसा करना है, तो फिर मैंने थोड़ा स्टार्ट किया। फिर एक दिन मैंने 2 घंटे पढ़ा बस, फिर 3 घंटे पढ़ा, फिर उसके बाद थोड़ा लाइव सेशन स्टार्ट किया तो 4 घंटे। तो लाइव सेशन में ना थोड़ा सा मूड अच्छा हो जाता है बिकॉज मेरे साथ और भी बच्चे पढ़ते हैं, उनके कमेंट्स होते हैं, हम ये पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं, तो ऐसे अच्छा लगता है, थोड़ा सा अच्छा लगता है कि ऐसा लगता है मैं अकेली नहीं हूँ। बट वही है कि फिर कॉन्सेंट्रेशन नहीं बन पा रही थी। उस चीज़ को मैंने ओवरकम करना है और हो भी रहा है, हो जाएगा टाइम के साथ। दैट्स इट, आपको बताना था कि हमेशा ऐसा नहीं होता कि आप जिसको देख रहे हो वो हमेशा मोटिवेटेड रहता है या फिर समथिंग लाइक दैट। हमारे भी लो फेजेस आते हैं, और अगर आपको मुझसे मोटिवेट ही होना है तो मतलब हुआ करो अच्छी चीज़ों के लिए भी, बट कहीं ना कहीं ये चीज़ भी लेकर चला करो कि जैसे आपके लो फेजेस आते हैं ना, जैसे आपसे नहीं पढ़ा जाता ना, वैसे हम मुझसे भी नहीं पढ़ा जाता है। बाकियों का मुझे नहीं पता, जो बच्चे पेपर के एक दिन के बाद ही दूसरे दिन पढ़ने बैठ जाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे होते हैं आई नो, लेकिन मुझे कहीं ना कई चीज़ें नहीं लगता ऐसा कि कोई इतना बड़ा फेलियर हो और अगले दिन कैसे पढ़ने लग सकता है। मतलब होते होंगे बट मेरे को ऐसा लगता है जब तक मैं अपनी नज़रों से किसी को ना देख लूँगी रियल में कि एक दिन पेपर में उसका रिजल्ट हुआ नहीं हुआ, अगले दिन वो पढ़ने बैठ गया, तब तक मैं ये चीज़ कभी नहीं मानूंगी। हाँ ये मैंने सोचा हुआ है। ओके, उसके बाद अब जाते हैं, जैसे कि मैंने बोला अभी मैं किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो देखो मैंने अभी क्या सोचा हुआ है ना, बाकी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन भी अभी करूँगी। मेंस को मैं लेके चल रही हूँ, लेकिन मैं थोड़ा लेके चल रही हूँ क्योंकि मेंस मैंने ऑलरेडी 1-2 बार की हुई है चीज़ें, तो मेरे को इतना टाइम नहीं लगेगा। और जैसे कि मैंने ज्वाइन किया था कोर्स एड सारथी का, जो कि वरुण जैन सर हैं, डॉक्टर शिविन सर हैं, वो कोर्स पहले मैंने 2024 मेंस का ज्वाइन किया था, बट जब नहीं हुआ तो उन्होंने एक ऑप्शन रखा था कि आप नेक्स्ट बैच में शिफ्ट हो सकते हो, तो मैंने वो शिफ्ट करवा लिया अपना। एंड अब मैं हूँ 2025 के बैच में, जिसमें वो थोड़ा स्लो पढ़ाएंगे और क्लासेस चलेंगी आई थिंक जनवरी तक। सो वो मेरे लिए अच्छी है चीज़, उसमें रोज़ का एक ही लेक्चर होगा, वो मैं कर लूँगी। 15 जुलाई से वो स्टार्ट होगा तो वो मेरे लिए अच्छा है। तो मैंने ये सोचा है कि मैं रोज़ का एक लेक्चर वो करूँगी, जो भी वो पढ़ाएंगे उसको अच्छे से करना है, लेक्चर सुन के। मेरे को जहाँ तक लगता है ना, लेक्चर से ज़्यादा नोट्स बेनिफिशियल होने वाले हैं मेरे लिए। लेक्चर मैं 2x पे एक बार सुन लेती हूँ, उसके बाद नोट्स को अच्छे से पढ़ना है, नोट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं इनके। बाकी मैं ना थोड़ा अपना फैक्ट्स पे काम करूँगी और वैसी चीज़ें पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ जो कि सब एग्ज़ाम्स में आते हैं। लाइक आप देखो कि ऑल इंडिया लेवल भी जो एग्ज़ाम्स होते हैं, UPSC के भी एक्स्ट्रा या फिर स्टेट के भी एक्स्ट्रा, उसमें क्या होते हैं, फैक्ट्स, इंग्लिश, कंप्यूटर, मैथ, ये चीज़ें होती हैं उनमें भी आती हैं। और इन चीज़ों में मैं थोड़ा वीक हूँ, लाइक कंप्यूटर में थोड़ा वीक हूँ, इंग्लिश में भी मेरी गलतियाँ हो जाती हैं। तो ये चीज़ों का मैंने सोचा कि मैं इन चीज़ों को थोड़ा पढ़ूंगी अभी, ताकि मैं कोई भी अगर और एग्ज़ाम देना चाहूँ तो मैं उस चीज़ के लिए एलिजिबल हूँ, मुझे वो चीज़ें आती हूँ। बिकॉज GS तो मुझे आता है, बट एक होता है फैक्ट बेस्ड पढ़ना, एक होता है UPSC के लिए पढ़ना, लाइक नॉलेज बेस वाला। स्टेट्स और जो बाकी एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें फैक्ट बेस्ड चीज़ें आती हैं जो कि मैंने नहीं पढ़ी हैं इतनी अच्छे से, तो मैं इन चीज़ों पे वर्क करूँगी। उसके साथ साथ मैं अपना ऑप्शनल लेकर चलूँगी रोज़ का, बस थोड़ी देर ही। पहले मैं सोच रही थी कि ऑप्शनल भी रहने देती हूँ, बट देन आई थॉट कि छोड़ने से अच्छा है कि एक आर भी पढ़ लूँ अगर दिन का, तो एंड तक कितनी ज़्यादा चीज़ें कवर हो जाएंगी। सो बस अभी मेरा यही प्लान है, सब चीज़ों को थोड़ा साथ साथ लेकर ही चलना है। थोड़ी मोटिवेशन भी अभी कम है, लेकिन आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं वो वापस से ला पाऊँ रूटीन। लाइव स्टडी सेशन से थोड़ा अच्छा फील होता है, तो इसलिए वो भी मैं करूँगी जितना हो सकेगा मुझसे। लेकिन अभी इस टाइम पे मैं अपने आप को ना ज़्यादा प्रेशराइज नहीं कर रही हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ऐसा नहीं है कि मुझे 10 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, नहीं। मैं ऐसे सोच रही हूँ कि ठीक है, अगर मैं 5-6 घंटे भी पढ़ पाती हूँ ना दिन का, उतना भी काफ़ी है अभी के लिए। अपने आप को स्ट्रेस्ड आउट नहीं करना है, क्योंकि अभी लॉन्ग जर्नी है। जब एग्ज़ाम आने वाला हो तब एक अलग बात होती है, उससे पहले तक ना थोड़ा ठीक है, एक वो रखनी चाहिए, कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए, ज़्यादा फोर्स नहीं करना चाहिए। बाकियों का मुझे नहीं पता, मैं अपने बारे में ऐसा कह रही हूँ। सो बस यही चल रहा है लाइफ में। मतलब
जहाँ कहाँ आप स्कूल में अच्छे मार्क्स लाते थे, कॉलेज में अच्छे मार्क्स लाते थे, थोड़े नंबर कम आते थे तो दुख होता था, टॉपर्स में होते थे, और कहाँ अब बैक टू बैक फेलियर्स। तो बस यहाँ एक जो एग्ज़ाम था स्टेट का, वो भी मेरा रह गया है। कोई मतलब 5-6 नंबर और होते ना मेरे जर्नल में तो हो जाता, बट वही है कि नहीं हुआ। एंड उसमें कुछ और भी थी मतलब क्वालिफिकेशंस की, अगर किसी का ये सब्जेक्ट था तो उसको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, कुछ ऐसा भी वो मेरा सब्जेक्ट नहीं था। तो ओके नो प्रॉब्लम, मैंने पहली बार ही कोई स्टेट का एग्ज़ाम दिया था, कोई बात नहीं, आगे और इस पर इम्प्रूव करेंगे। और बस यही बताना था आप सबको, बहुत टाइम से मैंने वीडियो नहीं डाली थी, तो मैंने कुछ छोटे छोटे क्लिप्स लिए लास्ट के कुछ डेज़ में, तो आपके साथ शेयर कर दिए। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड मैं कोशिश करूँगी कि मैं डालती रहूँ, आपके साथ शेयर करती रहूँ चीज़ें। आप सब बताना आप सब कैसे हो। दैट्स इट फॉर द वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।